आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा आगरा की विधानसभा सीट से पंडित मधुसूदन शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर पंडित मधुसूदन शर्मा ने बटेश्वर नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना कर भोले बाबा से जीत का आशीर्वाद मांगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लगभग घोषणाएं कर दी हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से बाहा विधानसभा से प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा जी हैं। आज उन्होंने बटेश्वर नाथ के दर्शन किए हैं, उनसे जानते हैं क्या रणनीति रहेगी, कैसे अपना चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बाहा विधानसभा की जनता ने मुझे 2007 में चुनाव की तैयारी के लिए आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया। 2022 में चुनाव आ गया है और 10 साल का कार्यकाल विपक्ष का देखा है, लोगों ने हमारा काम भी देखा है और हमारी पहचान भी देखी है और हमारा संयम भी देखा है। इस विधानसभा के लिए सर्व समाज का सम्मान करने का काम किया है और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस विधानसभा के लिए एक अलग संदेश दिया है कि बाहा विधानसभा आगरा से 90 किलोमीटर जनपद की दूरी पर है और यहाँ जिला होना चाहिए, जिससे इस विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो। तो मैंने अपील की, उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार किया। ये बाहा विधानसभा जिला बनाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी, आपका ये बेटा काम करेगा। इसके अलावा और क्या क्या विकास मुद्दे? देखिए, आज़ादी के बाद में 2007 से 12 जो विकास हुआ था, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी ऐसा जब जिला बन जाएगा तो यहाँ का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, व्यापारी अपने आप संपन्न हो जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं। रोडें भी बनेंगी, रोड चौड़ी भी होंगी, यहाँ कलेक्ट्रेट भी बनेगी, सारी सुविधाएं यहाँ बनेंगी। मैं आपको ये अपनी माध्यम से और समाजवादी पार्टी के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। इस विधानसभा का ये बोला जाता है कि जो यहाँ राजा बदावर है, उनका वर्चस्व है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सन 47 में राजाओं का अंत हो गया था, जमींदारी प्रथा का अंत हो गया था। यहाँ के लोग, अगर कुछ लोग राजा मानते हैं, लेकिन राजा वही है जो आज लोकतंत्र में वोट से बनता है। किसी की माँ की पेट से पैदा नहीं होता, आज राजा जनता की वोट से पैदा होता है। जी, अब टक्कर मानते हैं उनसे? देखिए, हमारी टक्कर जनता हमें स्वीकार कर चुकी है और 10 साल इन्होंने गुंडागर्दी देखी है। इस विधानसभा ने सर्व समाज का सम्मान करने का हमने काम किया है, हमारा कार्यकाल देखा है, माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देखा है। इस विधानसभा में जिला जब बनेगा तो इस विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। मधुसूदन शर्मा ये थे हमारे साथ, विधानसभा से प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि यहाँ विकास के लिए हम वोट मांगेंगे और विकास करके दिखाएंगे। उसी मुद्दा हमारा विकास के लिए रहेगा, उसी से अपनी जीत हम यहाँ दर्ज कराएंगे। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर 2022 चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। वहीं कोल विधानसभा से सलमान शाहिद को पार्टी द्वारा टिकट मिलने पर पूर्व विधायक हाजी जमीउल्लाह खान के समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की। समर्थकों ने जुमे की नमाज के बाद जमालपुर ईदगाह पर भारी मात्रा में एकत्रित होकर पोस्टर लेकर जमीउल्लाह का समर्थन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि हाजी जमीउल्लाह लंबे समय से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको टिकट देना चाहिए। कार्यकर्ता की हैसियत से ये मैं कहना चाहता हूँ, माने से वोट हम जब ही देंगे, जब हमारा नेता ठीक होगा, हमारे बीच रहेगा, हमारी खिदमत करेगा, तब हम वोट देंगे। जहां एक और 2022 के चुनाव नजदीक हैं, अभी सभी जो पार्टियां हैं अपनी टिकट फाइनल करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के आगा यूनिस के टिकट न मिलने के बाद उनके समर्थक आक्रोशित होते, उनके द्वारा लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा है।
आगा के समर्थकों ने अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे का मोहलत कांग्रेस हाईकमान को दी है। आगा के समर्थकों ने साफ तौर पर कहा है कि जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है उसे टिकट नहीं दिया गया, अगर जल्द ही आगा यूनिस को टिकट नहीं दिया गया तो अंजाम बुरा होगा। विरोध यह है, इस बात का विरोध है कि एक इंसान को जो जो जन जन के साथ 24 घंटे काम करता है, चाहे कोरोना हो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो, उसको टिकट दी गई है, उसके साथ पूरे साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका जी को, राहुल गांधी को, 24 घंटे में टिकट नहीं बदली गई तो केरलनगर चौराहे पे आप धा कर लूंगा मैं। ये मेरा अपना निजी निर्णय है, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। मैं दुखी हूँ, आज हूँ इस बात से, मैं सोच नहीं सकता था कल्पना में। एक ईमानदार आदमी को, एक बुद्धिजीवी आदमी को, एक दिन रात को काम करने वाले आदमी को, एक भ्रष्टाचार निरोधी व्यक्ति को टिकट दी गई है। मैं आज हूँ, मैं आपका करने को मजबूर हूँ। वहीं अलीगढ़ शहर से पूर्व सपा विधायक जफर आलम और कोल से सलमान शाहिद को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जारी होने के बाद गठबंधन समाजवादी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2022 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है और अलीगढ़ से गठबंधन की सीटों को हर हाल में जीतना है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने निर्णय लिया है वह एक सराहनीय फैसला है। जो हमारे कोल 75 विधानसभा से सलमान भाई को प्रत्याशी घोषित किया है, हर एक वर्ग, सातों वर्गों में से कहाँ माँ बहन भाई बुजुर्ग सारे नौजवान सभी मिलकर सलमान भाई को 10 मार्च को यहाँ से दूल्हा बना के, 10 फरवरी को इंशाल्लाह दूल्हा बना के यहाँ से ले जाएंगे। 10 मार्च को श्री अखिलेश यादव जी को इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बनाने कार्य करेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, आपने जश्न भी मनाया, मिठाई भी बांटी है, तो क्या रहेगा फिर उसमें, किस तरह की दिखते हैं फिर आप? हमने आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, हम आचार संहिता के सहयोग में हैं। क्योंकि सहयोग में कहाँ है आप, किस तरीके जिससे आप जश्न मना रहे हैं? कोई जश्न नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने अपने घर पे खड़े हुए हैं या हमारे लोग जो हमसे मिलने आ रहे हैं। आपका ही क्या कहते पत्रकार बंधु, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे ये पूछा और ये बैट ली हमारी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर राजनीतिक दल अपने अपने लोक लुभावन वादों के साथ चुनाव के मैदान में है। सभी राजनीतिक दल किसानों से लेकर गरीब मजदूरों और महिलाओं की बात कर रही हैं, लेकिन किन्नर समाज को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की तरफ कोई भी घोषणा जो है वो नहीं की गई है। वहीं किन्नरों ने कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में किन्नर समाज के लिए ना ही कुछ जानकारी दी गई है, ऐसे में हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए क्योंकि हम लोग समाज से उपेक्षित लोग हैं और मांग जांच कर ही जीवन का गुजर बसर करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने लोक लुभावने वादों के साथ जनता के बीच चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कोई पुरुषों की बात करता है, कोई महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, कोई लड़कियों को फ्री स्कूटी देने की बात करता है, लेकिन इन सब के बीच में भी एक समाज ऐसा है जो न पुरुष है न महिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की। इनके लिए कोई भी राजनीतिक दल ने अभी तक कोई भी वादा नहीं किया और ये समाज से उपेक्षित ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किन्नर हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम पूनम तिवारी है। मैं सबसे पहले प्राइम टीवी वालों को धन्यवाद करती हूँ जो हमारा दुख दर्द समझने के लिए हमारे दरवाजे आए, और मैं सभी चैनल को धन्यवाद करती हूँ कि हमारे दरवाजे आए। आज तक जितनी भी सरकारें आईं, औरतों को देखा, मर्दों को देखा, उनका सुख, उनको सब कुछ दिया संसार में, और हमारे समाज के लिए आज तक कोई भी नेता कोई हमारा काम नहीं किया। आई जिसकी भी सरकार हो वो हमारे लिए भी सोचे और हमको भी समाज में जो दिक्कत परेशानियां हैं उसको दूर करें, हमारे बारे में भी कुछ सोचे। जिस तरीके से सरकार लोगों को, जनता को कॉलोनी दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं और भी सुविधाएं दे रहे हैं, उसी तरीके से हमको भी मेरा हक दिया जाए और जैसे समाज में सबको एक्सेप्ट किया जाता है वैसे हमको भी किया जाए। हमें तो ये उम्मीद है अपने कोई भी चैनल आवे हमें सबको धन्यवाद है, और उसका क्या नाम, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है। आँख जाँच दिल चाहता था कि किन्नर मार दिए जाते हैं, कहीं कुछ कर दिया जाता है, कोई गाड़ी के नीचे दबा दिया जाता है, मगर किन्नरों की कोई सुनवाई नहीं होती है।
हम यही चाहते, हमारे गुरु जो बोली है वही बात मैं भी चाहती हूँ जे किन्नर के लिए कुछ किया जाए। सरकार से यही उम्मीद है कोई भी बने, इसलिए मुझे बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन ये चाहती हूँ जो किन्नर के लिए कुछ किया जाए। किन्नर समाज कहीं ना कहीं एक उपेक्षित समाज के रूप में जाना जाता है और लोग इनसे दूरी भी बना के रखते हैं। तो प्राइम टीवी पहली बार जो है अभी तक इनके पास ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आया है ना कोई प्रिंट मीडिया का आया है, पहली बार प्राइम टीवी संवाददाता इनके बीच में आए हैं और इनके दुख जाने हैं, इनकी परेशानियां जानी हैं। इनका ये कहना है कि अगर जो उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बनी तो किन्नर समाज को भी एक स्थान दिया जाए, इसी उम्मीद के साथ ये सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी रायबरेली। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव से पूर्व तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन पर थाना कोतवाली बांसी क्षेत्र के विभिन्न चौराहे व कस्बों में पुलिस क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में पुलिस और SSB की 44 बटालियन फोर्स ने एरिया डोमिनेशन किया है। बांसी कोतवाली निरीक्षक संजय मिश्रा ने उनके साथ में सब इंस्पेक्टर हरेंद्र पवार, SSB नरकटियारगंज डिवीजन के टीम काजी रुलधौरी नरकटहा देबियापुर शीतलगंज मंगल बाजार गांगुली चौराहा समेत विभिन्न चौराहों कस्बों तक उन्होंने भ्रमण किया है और एरिया डोमिनेशन किया है। दूसरी तरफ आम जनमानस से COVID-19 का पालन करने की अपील भी की गई। ये आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एरिया डोमिनेशन का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर भयमुक्त वातावरण बने और लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। अगली खबर मऊ से है जहां पर राहुल नर्सिंग होम में 13 जनवरी की रात को मरीज के मरने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसको जुकाम था, खांसी था, 3 दिन से दवा चल रहा था, कल इसका सीरियस हो गया, फिर आज इसको लेकर आए हैं। ये जब से यहाँ से गए हैं भैया बोले मेरे ब्रदर भर्ती कॉल करें, नहीं भर्ती नहीं करेंगे, इंजेक्शन दिए तब से इसको दिक्कत हुआ है, फिर यहाँ लेकर आए हैं। लड़की जिंदा थी, फातिमा ले गए हैं वहाँ भी जिंदा थी, तो वो बोला कि हम नहीं केस लेंगे, यहाँ पर लेकर आए हैं, लड़की जिंदा थी, तो ये लोग आधे घंटे से नौटंकी कर रहे हैं, आधे घंटे से ये लोग देख नहीं रहे थे, लड़की उस समय जिंदा थी। फिर उसके बाद ये लोग 112 नंबर बुलाए, 112 नंबर भी आई है तब भी नहीं चेक कर रहे हैं, और पर्ची मांग के उसमें से दवा काटे हैं जो इंजेक्शन उसने लगाए थे। वही महुआ के पनवाड़ी थाने में तैनात एक सिपाही की कमरे के अंदर संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पर सिपाही की अचानक मौत हो जाने से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी कांस्टेबल उनके स्टाफ द्वारा जिला चिकित्सालय अचेत अवस्था में लाया गया था, चिकित्सीय परीक्षण के दौरान वो मृत पाए गए। उनके स्टाफ के लोगों ने बताया कि सुबह जब उनको जगाया गया तो वो अचेत अवस्था में मिले, यहाँ पे उनको उनके सबको मॉर्चरी में रखवा दिया गया और पुलिस को सूचना भेज दी गई है। वही लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन पर जनपद में अपराधों की रोकथाम व अवैध क्रियाकलापों के अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस ने गश्त के दौरान 4 शातिर गौकशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही अमेठी पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 अवैध तमंचे, 1 देसी कारतूस, 6 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि अमेठी में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के धरपकड़ के हेतु चलाया जा रहा अभियान के क्रम में ये पूरी जो कार्यवाही है ये अंजाम दी गई है। आज दिनांक 14/1/2022 को प्रातः 4 बजे अहोरा भवानी से जेहटा उसरहा की ओर आ रही सड़क पर मुखबिर खास की सूचना पर एक व्यक्ति को 2 तमंचों के साथ सूरज पाल उर्फ लल्ला
ये निवासी जायस के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा अपने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया गया कि ये तमंचे बनाकर बेचने का काम करते हैं। उनकी निशानदेही पर कुल जो है 5 तमंचे, 1 देशी बंदूक, 5 अर्धनिर्मित तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और इसके साथ भट्टी और वो सामान जो कि अवैध असलहे को बनाने के लिए में प्रयोग में लाया जाता था, उसके साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। चुनाव के दौरान हम लोग लगातार इसलिए प्रयासरत थे कि अवैध शस्त्र और अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसमें आज एक अच्छी सफलता शिवराज पुलिस को मिली है, जिसके लिए मैं उनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार देता हूँ। इसी प्रकार से हमारा अभियान जारी रहेगा। जितने भी आपराधिक तत्व हैं जो शराब या अवैध मदिरा और अवैध शस्त्र में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कड़ी। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर करहल पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन पर एक लखनऊ से आगरा जाते समय पुलिस ने एक कैंटर को पकड़ा है। पुलिस को देखकर कैंटर छोड़ चालक और परिचालक दोनों मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कैंटर से अदरक के नीचे दबे हुए 102 पैकेट बोरों में 14 क्विंटल 28 किलोग्राम अदद मादक पदार्थ जो है वो उसको बरामद किया है। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 1,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। जैसा आप जानते हैं इलेक्शंस सिंडिकेट हैं, उसी उद्देश्य से हमारी सीमाओं पर जो है जनपद की सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान, चेकिंग अभियान चल रहा है। कैरियर्स पे चेकिंग उसी क्रम में चेकिंग जारी थी। रात में एक गुजरात नंबर की गाड़ी कैंटर जो था, इसके बारे में सूचना थी कि इस पर कुछ मादक पदार्थ लदा हुआ है। इसको पीछा किया गया और तेज़ी के साथ एक टैंक जो कैंटर था भागा और बाद में जाकर के पलट भी गया, क्योंकि रात का समय था। अंधेरे का लाभ उठाते हुए इसके जो ड्राइवर और अन्य इसमें जो बैठे थे वो तो भाग गए, लेकिन गाड़ी पकड़ ली गई और इसमें करीब 1,428 किलोग्राम एक तरह से इसमें डोडा जो अफीम का छिलका होता है, ये करीब 102 बोरियों में बरामद हुआ है, 102 बोरियों में, और बाज़ार में इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर की है और ये नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया है। गाड़ी हमारे कब्जे में है तो इस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, इसमें मुकदमा भी NDPS का दर्ज किया गया और फिर आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। अगली खबर महोबा से है, जहां पर MP-UP बॉर्डर पर चुनाव के मद्देनजर की जा रही चेकिंग के दौरान आबकारी टीम सहित उड़नदस्ता टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक वाहन से 2,01,000 की नकदी को बरामद किया गया है। नई जानकारी के मुताबिक उक्त नकदी किसी गुटखा व्यापारी से जुड़ी हुई है, लेकिन नकदी का कोई वैध प्रपत्र न मिलने पाने के कारण उड़नदस्ते को सूचना दी गई। उड़नदस्ते ने बरामद नकदी को कोषागार में जमा कराकर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। महा बॉर्डर पे आबकारी टीम और थाना श्रीनगर की टीम के द्वारा जो है सघन जांच की जा रही थी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। उसी में एक लोडर जो है जांच के लिए रोका गया और उसमें 2,01,000 रुपए बरामद किए गए हैं और व्यापारी के द्वारा साक्ष्य मांगे गए, लेकिन कोई प्रस्तुत साक्ष्य नहीं किए गए हैं। और ये पैसा किस में यूज करेंगे, क्या है, कहाँ से आया है, इसके बारे में जो व्यक्ति है वो सही जानकारी नहीं दे पाया, इस कारण से इस पैसे को ट्रेजरी में जमा कराया जा रहा है। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने असलाह तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक शौतर असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 कारतूस, असलाह व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। चंदौली सर्विलांस टीम, SOG टीम और थाना सैयद राजा द्वारा एक सातिर अपराधी मुकेश यादव उर्फ दगम को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 अदद तमंचा 315 एवं कारतूस, साथ ही मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया है। इस सातिर अपराधी से पूछताछ में कई और अपराधियों का नाम सामने आए हैं,
जिस पर सर्वेलांस टीम, एसओजी और थाने के द्वारा कार्रवाई प्रचलित है। उक्त कार्रवाई में थाना सैयद राजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।